बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे बेमिसाल एक्टर हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से और शानदार डायलॉग डिलीवरी से हर किसी का दिल लूटा है। इसलिए तो आज भी उन कलाकारों की जगह दर्शकों के दिलों में बरकरार है। लेकिन दोस्तों, इन बेमिसाल एक्टरों में से चार एक्टर ऐसे हैं जिनकी 20 दिनों के अंदर मौत हो गई थी। पर आखिर वो चार एक्टर कौन है और उनकी मौत कैसे हुई थी, चलिए आपको बताते हैं। नंबर एक, मंगल ढिल्लो। खून भरी मांग और महाभारत जैसी सीरियल और फिल्मों में काम करके मशहूर अभिनेता मंगल ढिल्लो एक बहुत ही टैलेंटेड अभिनेता थे जिन्होंने अपनी अदायगी से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था और एक अच्छी खासी लाइफ जी रहे। मगर इन्हें लंग कैंसर जैसी भयानक बीमारी थी जिसकी वजह से 11 जून को इनका लुधियाना पंजाब में निधन हो गया था। नंबर दो, नीतीश पांडे। अनुपमा सीरियल में काम करके मशहूर होने वाले अभिनेता नीतीश पांडे ने टीवी के साथ साथ फिल्मों में भी काम करके अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और काफी शोहरत कमाई। मगर शायद इनकी किस्मत में इतनी शोहरत लिखी थी क्योंकि 23 मई को इन्हें अचानक एक जोरदार हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। नंबर तीन, गूफी पेंटल। महाभारत में शकुनी की भूमिका निभाकर मशहूर अभिनेता गूफी पेंटल ने कई मशहूर सीरियल्स के साथ साथ बॉलीवुड की कई शानदार फिल्मों में काम किया है और अपनी कॉमेडी से लेकर गंभीर एक्टिंग से हर किसी को अपना दीवाना बनाया है। मगर इस महान अभिनेता की 3 जून को नींद में हार्ट फेल होने की वजह से मौत हो गई थी। नंबर चार, सुलोचना लाटकर। बॉलीवुड की फिल्मों में एक दुखियारी और लाचार मां का किरदार निभाकर मशहूर अभिनेत्री सुलोचना लाटकर ने भी अपने एक्टिंग से सभी को इम्प्रेस किया था और कई अवार्ड जीते, मगर इनकी जीवन रेखा भी ज़्यादा लंबी नहीं थी। इसलिए तो इन्हें समय के साथ कई बीमारियाँ लग गई थी और फिर अचानक 3 जून को इन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हुई जिसकी वजह से इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, मगर 4 जून को इन्होंने दम तोड़ दिया और इस तरह अभी इस दिन में 4 महान कलाकार इस दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, आपको इन 4 एक्टरों की मौत सिर्फ 20 दिन के अंदर होना एक सहयोग लगती है या फिर कुछ और, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।